आज के दौर में यदि किसी व्यक्ति के सूंघने की शक्ति या स्वाद लेने की क्षमता में कमी आने लगे तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ये वीडियो लगातार देखें और इसमें दिए गए ट्रीटमेंट को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमने यहाँ पर यह ट्रीटमेंट कलर थेरेपी के द्वारा और ब्यूल मैग्नेट के द्वारा बताया है। आप कलर भरने के लिए, कलर लगाने के लिए उंगलियों पर स्केच पेन का प्रयोग करें और यह ट्रीटमेंट दिन में करें कलर वाला, और मैग्नेट रात में भी और दिन में भी काम कर सकती हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कलर का इंतजाम करें, और या जो बच्चों के रंग भरने वाले कलर होते हैं वे अपने पास रख लें। तो किसी भी कारण से यदि सूंघने की शक्ति में कमी आती है या टेस्ट बदल जाता, टेस्ट नहीं आता खाने में, तो उसके लिए आपको चित्र के अनुसार दिखाए जा रहे हैं राइट रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पर 0.36 टोन करेंगे और 4.59 पॉइंट को सीटेट करेंगे। 0.36 टोन करने का मतलब है WBM, और 4.59 सीडेट करें अर्थात इसको YBM लगाएं। पेपर टेप के द्वारा ये मैग्नेट लगाएं। ये बियोल मैग्नेट होती हैं और BM2 नंबर की ये मैग्नेट होती हैं। इन मैग्नेट को बीच में एक एक मैग्नेट की दूरी होती है और ये आपको उंगलियों में दोनों में लगाने हैं आगे पीछे। तो टोटल आपको एक उंगली में 6 मैग्नेट लगेंगे। 12 मैग्नेट इस ट्रीटमेंट में काम आने वाले हैं। इसी ट्रीटमेंट को आप कलर थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, कलर के द्वारा कर सकते हैं, स्केच पेन के द्वारा। राइट रिंग फिंगर में इंडेक्स फिंगर और पित्त ज्वाइंट पर 0.36 को टोन और 4.59 को सीडेट करें कलर के द्वारा। तो इसमें 0 नंबर और 9 नंबर पर ब्लैक कलर लगाना होगा, 3 नंबर लाइट ब्लू कलर लगाएं, 4 नंबर पर येलो कलर, 5 और 6 पर ऑरेंज कलर चित्र के अनुसार आप लगा सकते हैं। ये कलर आप दिन के समय लगाएं, बहुत ज़्यादा लाभ करता है। और मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं, यदि कलर उपलब्ध ना हो तो आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप 8 से 12 घंटे मैग्नेट लगाकर कर सकते हैं और इससे बहुत जल्द ही रिजल्ट आते हैं। यदि आप हमारे चैनल की स्मेल लॉस होने वाली वीडियो, यानी कि जिसमें सूंघने की पावर कमज़ोर हो जाती है, उसमें आप आई बटन को क्लिक करें जो ऊपर आ रहा है, और इस आई बटन को क्लिक करके आप सूंघने की शक्ति कम होने वाली वीडियो को भी देखें और वे पॉइंट भी शामिल कर लें उपचार में अपने। कुछ लोगों का ESR ये ब्लड का टेस्ट में आता है, ESR यदि बढ़ जाता है तो ये बताता है कि हमारी बॉडी में कहीं संक्रमण या सूजन है। तो किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार से यदि सूजन हो जाती है और अंदर, उसकी स्थिति को ESR बढ़ने से पता लग जाता है। तो यदि किसी का ESR बढ़ जाता है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आई बटन पर क्लिक करें और ESR के पॉइंट भी आप उस रोगी के लगाएं। बार मैग्नेट का कोर्स किस प्रकार से किया जाना है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी और वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये किस प्रकार से और वीडियो बार बार पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, तो आप ये किस प्रकार से आपको ये करना है वो पूरी जानकारी आप हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पूरी जानकारी दी जा रही है, आप ये कोर्स करें और रोगी को किस प्रकार से सफलता प्राप्त होनी है उसके बारे में आप हमारी वीडियो में और क्लास में देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही।
और यदि आप एक्यूप्रेशर से संबंधित पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, डॉक्टर वॉल, कलर थेरेपी, शीट थेरेपी, इन सब के बारे में हमारे 4 सेमेस्टर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये 6-6 महीने के होते हैं और इनमें पुस्तकें हमारे संस्थान की तरफ से आपको भेजी जाती हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। तो आप ये कोर्स करके बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा थेरेपिस्ट बना सकते हैं और अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी सब स्क्रीन पर दी जा रही है। एडमिशन से संबंधित यदि कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा? या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।